मैंने क्रोशिया में किया है, यहाँ पर लेक्चर की जॉब निकली पड़ी। आप सिलेक्शन जॉब पर क्लिक करोगे, इस पे आपकी सैलरी 2 से 4 हज़ार पर मंथ मिलेगी। बताओ कौन आदमी इलेक्ट्रिशियंस को 2 से 4 हज़ार यूरो देता है, जो से 2 से 3 लाख के बीच में होता है। और वेटर वेटर्स की अगर आपको जॉब करनी है और आपकी जो सैलरी है वो 2300 यूरो मतलब 2,30,000 होगी। यहाँ पर जॉब निकली पड़ी गार्डनर की, हाउस की, लिविंग स्टाफ की, रूम अटेंडेंट की, वेयर हाउस की, पिज्जा शेफ की, फिशरमैन, जंक कुक शेफ, शेफ चपाती, वेटर, बफेट, बेकरी वेटर, वेटरेस, बार शिफ्ट मैनेजर। बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि सर वो कंट्री यूरोप की निकल रहा है जहाँ पर सक्सेस है वीजा का 99% और जहाँ पर हमें अपॉइंटमेंट के लिए बहुत टाइम वेट ना करना पड़े। जी आज भी लेकर आपने कंट्री पर क्रोशिया जिसने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया हुआ है, जो शेंगेन का पार्ट है, जहाँ पर वीजा मात्र कॉस्ट 5,000 है और 5,000 में आपको 5 साल का वर्क वीजा मिल सकता है। वो कैसे वर्क वीजा मिलेगा, इसके लिए आज आपने वीडियो स्किप नहीं करना है। और आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है मेरी फ्लाइट टिकट बुक हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया की, और मैं चाह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया तो अच्छा कमेंट करेगा। आज मैं लाइव सेशन आने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब पर और 5 टिकटें आपको खुद दूंगा, आप खुद इसको देखो। इसके लिए एक कमेंट आपकी एक फ्री एंट्री भी, और बहुत सारे बच्चों को लगता है जॉब मिल रही। अगर आपको जैसे सीवी एंड कॉलेज बनाना है मेरा व्हाट्सएप नंबर देख लो, आप मेरे पास आ सकते हैं। वेलकम टू माई चैनल गैरी बैकपैकर। जी ये क्रोशिया है जो इसकी बात रफली 38.6 लाख है, और इसके प्रोसेस स्लोवेनिया है, हंगरी है, सर्बिया है, बोस्निया है, और इटली के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इस कंट्री खूबसूरती है कि इस पर 27 कंट्री आप किसी भी यूरोप कंट्री में आगे जा सकते हैं, इवन की लग्जमबर्ग भी जा सकते हो अगर आपको यहाँ का TRC कार्ड मिल जाता है। और यहाँ पर एवरेज स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, यहाँ सैलरी 1 से 2 लाख होती है, और यहाँ पर टैक्स सिस्टम बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू यूरोप। और यहाँ पर बीवी आपके साथ जा सकती है, और बच्चों की एजुकेशन फ्री, और 5 साल क्रोशिया में काम करने के बाद आप वहाँ की नागरिकता भी ले सकते हो। तो ये तो बहुत सारे बेनिफिट। इसके लिए अगर आपको जॉब ढूंढनी, आपको क्रोशिया की सारी वेबसाइट दिखाई जा रही, आप इन पर अपना सीन वगैरह भेज सकते हो, और इवन क्रोशिया के रिक्रूटमेंट एजेंसीज दिखाई जा रही, आप इन पर, और इवन के बर्गर की और मैकडॉनल्ड करियर पेज भी दिखाया जा रहा स्क्रीन पर, आप इन पर भी जॉब अप्लाई कर सकते हो। पर अभी मैं कंपनी लेकर आया आप लेकर कॉन्सपन कैंडिडेट, जहाँ पर वेल्डर, फिटर, बेंडिंग मशीन ऑपरेटर, एक्सपोर्ट मैनेजर की जैसे वैकेंसी फिटर की कोई भी लड़का कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको आई वॉन्ट दिस जॉब क्लिक करना पड़ेगा। फिटर का जॉब क्या होता है, आप चीज़ों को सैम्पल करना है, और यहाँ पर आप लॉग इन करोगे, यूजर पासवर्ड और अपना नीतो अकाउंट क्रिएट कर अपना CV कार्ड भेज दोगे। इस तरह आप अप्लाई करोगे पेंडिंग मशीन ऑपरेटर को, सेम प्रोसेस है जहाँ पर आपको शीट्स को मेटल पेंड करना पड़ेगा और ये वैकेंसी निकले पड़ेगा। इसके अलावा मैं लेकर आया आपके लिए कंपनी का नंबर रेडियन EU, जहाँ पर लॉक्स फिटर की जॉब, बारटेंडर की जॉब, इलेक्ट्रिशियन की जॉब, बहुत सारी जॉब निकली पड़ी है। मैंने क्रोशिया में किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की जॉब निकली पड़ी। आप इलेक्ट्रिशियन जॉब पर क्लिक करोगे, अगर आप इलेक्ट्रिशियन बैकग्राउंड से हो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी, और इस पर आपकी सैलरी 2 से 4 हज़ार पर मंथ मिलेगी। बताओ कौन आदमी इलेक्ट्रिशियंस को 2 से 4 हज़ार यूरो देता है, जो से 2 से 3 लाख के बीच में होता है। और इसके लिए आपको यहाँ पर अप्लाई जॉब पर क्लिक करना पड़ेगा, साइन अप पर, फर्स्ट एंड लास्ट ईमेल, अपना CV एंड कॉलर पर लोड कर आप इनको अपना CV भेज सकते हो। तो गाइज ये तो वैकेंसीज होगी जो मैंने आपके लिए लेकर आया क्रोशिया में। आप और भी बहुत सारी ऐसे वैकेंसीज है जैसे आप ऑस्ट्रिया, क्रोशिया में आप जो अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर वेटर वेटर्स की जॉब निकली पड़ी मेल और फीमेल की। और वेटर वेटर्स की अगर आपको जॉब करनी है और आपकी जो सैलरी है वो 2300 यूरो मतलब 2,30,000 होगी। इसमें आपको सपोर्ट करना है सर्विस पर्सनल को, ऑर्डर को टेक करना है, फिर बायर को डिलीवर करना है, और गेस्ट को सेटिस्फाइड करना है उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर आपको इसके बदले आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगेन आप ये भी सेम प्रोसेस साइन अप फॉर दिस पर, फर्स्ट एंड लास्ट एंड CV कलर आप लोग जॉब अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड कंपनी मैं लेकर आया हूँ, वो कंपनी लेकर आया ब्रिटन जो स्पोर्ट्स एंड वेलनेस है, यहाँ पर करियर पेज पर निकला पड़ा है। यहाँ पर जॉब निकली पड़ी गार्डनर की, हाउस की, लिविंग स्टाफ की, रूम अटेंडेंट की, वेयर हाउस की, पिज्जा शेफ की, फिशरमैन, जंक कुक शेफ, शेफ चपाती, वेटर, बफेट, बेकरी वेटर, वेटरेस, बार शिफ्ट मैनेजर। अगर मैं यहाँ पर आपको जॉब पर क्लिक करता, रूम क्लीनर की जॉब पर क्लिक कर दिखाता हूँ, तो गाइस आपने क्या करना है, आपने ऐसे ही जॉब पर क्लिक करना है, और आपको जॉब स्पेशल दिखाई जा रही है, ये अनस्किल जॉब के लिए जिस पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। आपको क्लीनिंग का काम करना है, और इसके अलावा आप इस पर अप्लाई कर दोगे जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपना CV को लोड कर दोगे, तो जिस छोटा सा एप्लीकेशन फिल करोगे। गाइस अगर आपको कहीं भी हेल्प चाहिए, मेरी मात्र बॉस 1,000 रुपये है। अगेन मैं स्क्रीन पर मैंने आपको दिखा रहा हूँ 2-3 स्क्रीनशॉट, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मैंने लगा कर दिए जॉब, न्यूजीलैंड में, लग्जमबर्ग में, UK में,
आपको मेरे व्हाट्सएप पर आना पड़ेगा और मेरी मात्र बॉस 1000 है और आपके प्यार से नियरली 7 लाख फॉलोअर्स होने जा रहे हैं। आप इस तरह जॉब अप्लाई करोगे, चाहे वो कोई भी क्लीनिंग है, गार्डनर है, वेटर वेटर्स की, ऐसे ही आप वेयर हाउस की जॉब अप्लाई करोगे जहाँ पर आपको गुड्स को रिसीव करना है, लेबर लगाना है और चेक इन आउट करना है। अगेन इसका सेम वही फॉर्म है, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम फिल कर सकते हो। तो ये तो होगी वैकेंसीज। अगला मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, लेकर आया हूँ ओप्पो जॉब में, जहाँ पर निकली पड़ी वैकेंसी कॉन्टैक्ट सेंटर में, मार्केटिंग में, स्टोर्स में, टेक्नोलॉजी में, कॉपरेशन फंक्शन में। तो मेरे बच्चे बहुत सारे स्टोर्स में होते हैं और इसके लिए अगर आपको ये जॉब चाहिए, आपको ये पीस को ट्रांसलेट भी करना है और आप नॉट लिंक यानी आप ऐसे कर कर फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम कर दोगे, अगर आपको सुपर मार्केट में या वेयर हाउस में, ड्राइवर में, क्लीनिंग में, तो आप इसको जनरल डाटा ऐसे सेव कर दोगे। ये जॉब है ओप्पो जॉब्स पर, जहाँ पर आप अपने काम कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको एयरपोर्ट पे काम करना है, ये ईमेल एड्रेस दिया जाएगा, अगर आपको एयरपोर्ट पे काम करना है वो ईमेल एड्रेस है जिसका potinkla@jega.aero पर अपना CV और कमलेटर भेज सकते हैं। तो जो क्रोशिया के वर्क वीजा फीस है वो मात्र 60 से 80 यूरो होती है, जो कि रफी 6-7 हज़ार रुपया है, जहाँ पर आपको शैनन डी वीज़ा फॉर्म फिल करना है, पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट फोटोग्राफ चाहिए, आपका मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन चाहिए और इसके अलावा आप स्पोर्टिंग में अपने एचडी वर्क्स भी लगा सकते हो, पर आपका कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो कि आपका क्रोशिया का एम्प्लॉयर देगा। तो गाइस आपको एजेंसी दिखाई दे रही, वेबसाइट सुपर मार्केट दिखाई जा रही, वेयर हाउस की कंपनी दिखाई जा रही, होटल हॉस्पिटल या अपना सी भेजिए, और नहीं तो अगर आपको एयरपोर्ट में जॉब से आपको उसके पर फिर से एक बार ईमेल एड्रेस दिखाया जा रहा है जिसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ @jago.aero पर अपना CV का लेटर भेज सकते हैं। और अगर आप कोई भी हेल्प व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, मैं आपकी मामला कदर करूँगा। बट ऑल द मेन टाइम दिस, आप चाह रहे सदा खुश रहें।